मेरी लाज बचा, मेरा कोई नहीं इस दुनिया में माँ, दुनिया में माँ। माता ओ अम्मे माता, माता ओ अम्मे माता, माता ओ अम्मे माता, माता ओ अम्मे माता। मेरे जीवन की माँ जीवैया है तू, मेरे जीवन की माँ जीवैया है तू, तेरे हाथों में मेरी नैया है माँ, तेरे हाथों में मेरी नैया है माँ। दुनिया कुछ भी कहे भले कहती रहे, दुनिया कुछ भी कहे भले कहती रहे, दुनिया कुछ भी कहे चाहे कहती रहे, दुनिया कुछ भी कहे चाहे कहती रहे, मैं तो छोड़ूंगा ना कभी नाम तेरा, पार लगा ओ जनता तुमा, मेरी जनता तुमा। माता ओ अम्मे माता, माता ओ अम्मे माता, माता ओ अम्मे माता, माता ओ अम्मे आखिर में मर जाएगा। राम भजन कर मन तू प्यारे, आखिर में मर जाएगा। अरे लिया न जो तूने नाम प्रभु का, लिया न जो तूने नाम प्रभु का, पीछे तू पछताएगा। आखिर में मर जाएगा, राम भजन कर मन तू प्यारे, आखिर में मर जाएगा। खाली हाथ तू आया जगत में, खाली हाथ ही जाना है, खाली हाथ तू आया जगत में, खाली हाथ ही जाना है। क्या लेकर तू आया दुनिया में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया दुनिया में, क्या लेकर तू जाएगा। आसमान आसमां पे
में ना कोई आएगा, सुख में तेरे साथ चलेंगे सब, दुख में ना कोई आएगा। ओ ना कोई तेरा ना कोई मेरा, दो दिन का ये मेला है। ना कोई तेरा ना कोई मेरा, दो दिन का ये मेला है। देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं खेलन गया तो वो खिलौना लकड़ी का, जब तू बड़ा खेलन गया तो वो खिलौना लकड़ी का, जब जब तेरी जब जब तेरा लगन हुआ तो ओ मंडप था लकड़ी का, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। राम नाम गुण गा, हरि नाम गुण
साथ चलेंगे, मात पिता ने बहन भाई सब सुख में तेरे साथ चलेंगे। जब तुझे कोई दुख आएगा, जब तुझे कोई दुख आएगा, कोई ना तेरे साथ होगा। राम नाम गुण गाले, हरि नाम गुण गाले, ये मनवारे राम नाम गुण गाले, हरि नाम गुण गाले। झूठी ये काया है, झूठी ये माया है, झूठी ये माया है, झूठी है सारी दुनिया। राम नाम गुण गाले, हरि नाम गुण गाले, मनवारे राम नाम गुण गाले, हरि नाम गुण गाले। सब गाइए, भाव से गाइए, प्रेम से गाइए। गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल, बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल, बोलो गोविंद बोलो, बोलो गोपाल, श्याम से मिला दे, घनश्याम से मिला दे, 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 बोलो राधे राधे राधे, श्याम से मिला दे, राधे राधे राधे।
जी कथा कहुमति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो आप पधारो पवन कुमार समरण सीता राम का दर हरु नर हरि का ध्यान ए हनुमान जी आपको शिष्य नमाय के मैं करू राम गुणगान श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार बरनहु रघुवर विमल अस जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तेहु लोक उजागर महावीर विक्रम बजरंगी विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर चरित सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि से विदिकावा विपट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असु सारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जीवारे श्री रघुवीर हर सी उर लाए रघुपति की बहुत बड़ाए तुम मंत्र व्रत संभाले शास्त्र वदन तुमर यश गावे यश कैसे पद कंठ लगावे संतादित ब्रह्मादि मुनि सा नारद सारद सैकन वीसा यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कै सके कहते तुम उपकार सुनि हर की आराम मिलाए रखवारे होतन आज्ञा बिन पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहु को डरना अपना ते सहारो आपे तीनों लोक हाते काफे पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे से रो भरे सब पीरा जपत निरंतर
तन हर मत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मंत्र वचन ज्ञान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है पर से जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवाले असुरन कंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अश्वर दिन मेरी जान की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुम्र भजन मेरे राम को भावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अष्ट काल रघुवर पुर जाई जा जन्म हर भक्त धारे और देवता चीतन करिए हनुमान से सर सुख करिए संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल पीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत पाठ पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो जी दिशा की गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महावीरा संकट हरना मंगल मूर्ति रूपा राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभु सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की बोलिए हनुमान जी महाराज की आपने 3 बजे भगवान शिव चरित्र का गुणनवाद सुना। भगवान शिव भगवती को लेके एक संत के पास राम कथा सुनने के लिए ले गए। शिव ने सुना, भगवती ने सुना नहीं। पति पत्नी आ रहे हैं, उधर से पति पत्नी जा रहे हैं। राम लक्ष्मण जानकी को देखकर भगवान ने प्रणाम किया। उसी टाइम रावण सीता जी को ले गया। भगवान राम लक्ष्मण जानकी को ढूंढ रहे हैं। शिव ने देखा मेरा इष्टदेव आ रहा है, प्रणाम किया। जगतमा ने पूछा कौन है, भगवान शंकर ने बोला जिस महात्मा ने आपको कथा सुनाई वो स्वयं नारायण श्री हरि भगवान मनुष्य रूप लेकर राम आ रहे हैं, प्रणाम करो। भगवती ने मना किया, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, चमत्कार को नमस्कार करती हूँ, मैं पहले देखूंगी परीक्षा करूंगी, मेरे को लगेगा ये भगवान है तो प्रणाम करूंगी। भगवान शिव ने बहुत मनाया समझाया, भगवती ने ध्यान नहीं दिया। भगवान शंकर ने कहा ठीक अच्छी बात जाओ, मगर सुनो माँ को भगवान को गुरु को कभी नापना नहीं चाहिए, पाने की कोशिश करना चाहिए, पाने की कोशिश करना चाहिए। भगवती तुम जगत की माँ हो, मेरी बात को नहीं मानोगी तुम्हें बहुत पछतावा होगा। अभी भी श्लोक में कुछ लोग ऐसे हैं अपनी जड़ता को नहीं छोड़ते हैं। जिसको भगवान को जानना हो, अपने आप को जानना हो, परमात्मा को मानना हो, धर्म को जानना हो तो ईर्ष्या को छोड़ो। 3 बजे की कथा में आपने ईर्ष्या के ऊपर छोड़ा, ईर्ष्या जब तक आप पे रहेगी आप भगवान को नहीं पा सकते। किसी के प्रति ईर्ष्या न करो, कोई सेवा करता है साथ दो, कोई अच्छा काम करता है खुश हो, कोई आगे बढ़ रहा हो भगवान से प्रार्थना करो गिरे नहीं। किसी का ईर्ष्या न करो, किसी की जलन न करो, किसी को नीचा दिखाने का काम न करो, हरीफाई में ना हो। तुम मानव हो, ये काम तो राक्षस लोग किया करते हैं, एक को गिराना दूसरे को गिराना, ईर्ष्या करना निंदा करना, ये मानव का धर्म नहीं है, देवता करते हैं। देवताओं का यही काम है, लिखा है देवताओं के बारे में सरस्वती बोली है उच्च निवास नीच करतुति। कुछ लोग उच्च स्थान पर रहते हैं मगर काम बहुत हल्के करते, नीच विचार होते हैं। इसलिए किसी की ईर्ष्या न करो, जलन न करो। हर व्यक्ति इस दुनिया में जितना अपने कर्मों से दुखी नहीं है इतना दूसरे को सुखी देखकर दुखी है, जलता है, भरता है, अंदर ही अंदर खोलता है आदमी। किसी की ईर्ष्या न करो। हनुमान जी किसी स्त्री को हाथ नहीं लगाते, अपने जीवन में नहीं लगाया, मगर ईर्ष्या नाम की एक स्त्री थी जो पानी में रहती थी, वो पानी का जीव नहीं था। बड़ा कितना भी महात्मा हो, बड़ा विद्वान हो, कितना भी बड़ा संगीतकार हो, कलाकार हो,
हर व्यक्ति को एक दूसरे को देख कर ईर्ष्या करते, ये संगीत वाला ठीक नहीं बजा रहा है, ये गाने वाला कुछ नहीं गा रहा है, ये कथा वाला कुछ नहीं गा, हर व्यक्ति को ईर्ष्या होती है। और जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं होती है उसको सूर्य का पुत्र सुग्रीव कहता है, गरल पाठ जही न बंधाया सो तुम समान रघुराया, और तुम्हारी बराबरी कर सकता है, ईर्ष्या न हो, ईर्ष्या छोड़ो। हमें देखिए, कोई लेता है, कोई खाता है, कोई करता है, करता है, हम नहीं करते, इसका मतलब हमको अहम भी नहीं होना चाहिए, और दूसरा लेता है उसकी निंदा भी नहीं करनी चाहिए, दुख जरूर होता है। इस शास्त्र का तुम क्या देख सकते हो, 20,000, 30,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 कितना दोगे इसका? अगर मैं कथा करूं मुझे बहुत देने वाले मिले, कितना? इसको बेचा नहीं जाता है। भगवान कृष्ण अपने गुरु को कहते हैं, गुरुदेव जो चाहिए मांगो। गुरु के आंख में आंसू आ गया, कृष्ण मैंने जो आपको सिखाया है बेचना नहीं बांटना। कृष्ण की आंख में आंसू आ गए। राम ने वशिष्ठ को पूछा, गुरुदेव आपने मुझे पढ़ाया, कुछ दीक्षा दीजिए, दक्षिणा लीजिए, मैं क्या दूं? वशिष्ठ ने यही कहा, रघुनंदन हे दशरथ नंदन राम, मैंने जो आपको कुछ सिखाया बेचना नहीं बांटना। संतों ने सूखी भाजी खाकर, नदियों के जल खाकर इस शास्त्र को लिखे है, अपने आंसुओं से इस शास्त्र को पोछे। आप क्या देख सकते, कितना देख सकते, कितनी औकात है इस शास्त्र के बारे में? कोई रुपया देने वाला है? कोई माई का लाल बातें करते हैं, ठीक है, अपने रोजी रोटी के लिए हर व्यक्ति करता है, मैं भी तो रोटी के लिए बोल रहा हूं। इसलिए ईर्ष्या को छोड़िए। शिव जी ने बहुत समझाया, भगवती माना नहीं, सीता का रूप लिया, फिर शिव के बाद झूठ बोली, भगवान को ठीक नहीं लगा, त्याग दिया, मगर ईश्वर को दया आई। भगवान से प्रार्थना करो, हे ईश्वर तुम्हें जितनी सजा देना दे देना, मगर हमसे ऐसा कोई काम न हो ताकि दुनिया वाले हमको सजा न करे। भगवान सजा करता है, दया करता है, दुनिया सजा करती है, बहुत बड़ी निर्दय हो सकती है। आप देखते होंगे जो व्यक्ति अंधा है जन्म से, उसको ईश्वर ने सजा दिया, मगर दया भी कितनी है, उसको गिरने नहीं दिया, उसके पैर नहीं टूटे, पैर टूटे तो देखने वालों को टूटा। एक्सीडेंट हुए जितने भी हुए देखते वाले हुए, अंधे का एक्सीडेंट हुआ, कितना भी शराबी आदमी बैठा होगा नशे में धुत, अगर कोई अंधा आदमी बस में जाएगा तो तड़क कहेगा बाबा ठहरो बस आ रही है, उसको बचाने वाला भी मिलेगा। जलन मत कीजिए, ईर्ष्या मत कीजिए, ईर्ष्या से महाभारत हो गया इस देश में, ईर्ष्या से रावण पैदा हो गया इस देश में, ईर्ष्या से दुर्योधन पैदा हो गया इस देश में, दुर्योधन ने किसी को नहीं मारा, ईर्ष्या किया। और जब ईर्ष्या करता है तो आदमी खोटे रास्ते पे चल पसता है, झूठे रास्ते अपनाता है, झूठ बोलने लग जाता है, फिर उसको झूठे ही आदमी मिलेंगे, वाह वाह करने वाले, चढ़ाने वाले, फिर जब वो गिरेगा तो कोई नहीं होगा। इसलिए ईर्ष्या मत कीजिए किसी की, किसी को देखकर खुशी होइए। भला किसी का कर सको ना तो बुरी किसी का मत करना, फूल बनकर चल न सको तो कांटा बनकर मत रहना मेरे भाई, किसी का भला सोचो। या कोई किसी का बुरा करता है तो अपने आप में स्वार्थ, अपने आप में अभिमान, अपने आप का अंदर बैठा हुआ ईर्ष्या व्यक्ति को पाप की राह पे चला देता है, फिर वो अच्छे बुरे की सोच नहीं रहती है। इसलिए शंकर ने बहुत समझाया, मगर भगवती को ईर्ष्या हुई, ईर्ष्या का कितना बड़ा भयंकर परिणाम निकला, देखिए सुनिए और ध्यान दीजिए। भगवान ने सोचा, इसने सीता का रूप लिया, सीता मेरी माँ है, आज से भी मेरी माँ, मैं ना तो उसके साथ बैठूंगा ना खाऊंगा, मगर उसको कुछ कहूंगा तो बुरा लगेगा। ऐसे कही विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, चल ही विविध वर मितइतिहासा, शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागे समाधि अखंड अपारा, बीते हुवरस सकस सहासी, लागे समाधि समूह अविनाशी, लागे समाधि समूह अविनाशी।
कैलाश पर चले गए। भगवती को हाँ आप अंदर जाइए मैं आ रहा हूं, वहीं बैठ गए, समाधि लगे। 87,000 बीत गए, बरस बीत गए। भगवती को बहुत दुख हुआ, मैंने क्या किया, मेरे पति ने मुझ पर इतना विश्वास किया, मैंने उसको बनावट की, उसके साथ मैंने धोखा किया, उसके सामने मैं झूठ बोली, मेरा पति अंतर्यामी है, सब कुछ जानता है, आज उसने मुझे त्याग दिया, मैं ना तो पैर जा सकती हूँ, ना अपना दुख किसी को बता। जब बड़े घराने की लड़की या लड़का या कोई बड़ा व्यक्ति धर्म गुरु कोई निज का संग करे या हल्के लोगों के साथ बैठता है जो बुरे काम कर रहे, तो उसकी इज्जत नहीं रहती। कृष्ण बोले इससे तो मरना अच्छा है। देवादि देव महादेव की घरवाली, मैं किसके पास जाऊं, अपना दुख मैं किसको सुनाऊं, कौन है जो मेरी आवाज को सुनेगा। तब माँ को याद आया और भगवान को पुकारा, हे हरि, अगर तुम मानव बनकर भारत में जन्म लेता है और धर्म की रक्षा करता है, पापियों का नाश करता है, धरती का बोझा को उठा के उतारता है, तो हे परमात्मा तेरी कोई प्रार्थना करता है तो सुनता है, तो जगजननी जगदम्बा तुम्हें प्रार्थना करती है जल्दी मेरी मृत्यु हो जाए, भगवान शंकर दूसरे जन्म मेरा पति बन जाए। हे ईश्वर मेरी भूल हो गई, मैंने एक संत की कथा नहीं सुनी, एक महात्मा की मजाक किया, उसका परिणाम मैंने भोग लिया, अब दया कर मेरी मृत्यु जल्दी हो, दूसरा जन्म मुझे स्त्री का मिले और भोलेनाथ मेरा पति बने। बस भगवान शंकर का याद करती रही, माँ का शरीर सूख गया, हड्डियां दिखने लगी, रोती रही, गाते रही और कहते नहीं, तुम्हारे चरणों में आने को 100,000 बार मैंने जन्म लिया, प्रभु तेरे चरणों में आने को 1,000 बार मैंने जन्म लिया, हरि तेरे चरणों में आने को 100,000 बार मैंने जन्म लिया, कभी हंसती रही कभी रोती रही, कभी हंसती रही कभी रोती रही, कभी जन्म लिया कभी मरण हुआ, कभी जन्म लिया कभी मरण हुआ, अब तेरे चरणों में आने को 1,000 बार मैंने जन्म लिया, प्रभु तेरे शरण बार जन्म। माँ भगवती गाती रही, युगो बीत गए, वर्ष बीत गए, 87,000 वर्ष बीते, जब तक माँ ने प्रार्थना किया तो राम ही राम शिव सुमरण लागे, जाने हो सती जगत पति जागे, वर्षों के बाद जब जगदम्बा ने भगवान को प्रार्थना किया तो शिव जागे, राम 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 कैलाश में गूंजने लगा। भगवती ने देखा मेरा पति जाग गया, मगर आकाशवाणी हुई, हे जगदम्बा अब तेरा पति नहीं, जाने हूं सती जगत पति जागे, तुम्हारा पति नहीं, तुमने अपने पति को खो दिया, ददा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो, जिन लोगों ने ददा किया जाके उसका घर देखो, 50 साल के बाद भी ये पाप पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए रावण का नाम क्यों हुआ, असली नाम रावण का ये नहीं है, असली नाम तो उसका बहुत सुंदर था, मरे रावण कब बना, उसने 3 लोग को रुलाया, फिर भी उसको दशानन कहा, रावण जब ही बना जब संतों को बोला तुम हमारे पास आओ, हमारा कहना मानो, हमारी सेवा करो, हमारे गुलाम बनो,
बस राक्षसों का यही काम है, जब संत को परेशान करते हैं उस टाइम भगवान को आना होता है। उस संतों ने कहा हमारे पास क्या है तुमको दे, बोले तुम्हारा खून दे दो। रावण ने एक मटके में सब संतों का खून लिया। एक सर्वभंग नाम के ऋषि थे, रामायण में कथा आएगी आगे। उस महात्मा ने कहा अरे वो पापी 10 बार तूने सिर काटा, कैलाश को उठाया, इतनी जोरदार तपस्या की, तूने क्या पाया? यही, जाओ इस मटके के अंदर से एक लड़की पैदा होगी, तुम्हारे कुल का नाश कर देगी, मौत से कौन नहीं डरता है। रावण थर थर कांपने लगा और अपने आदमियों को कहा जाओ भारत के बाहर डाट दो, और भारत के बाहर नेपाल में उस मटके को डाल कर आए, जमीन में गाड़ दिया। वर्षों के बाद महाराज जनक अपनी पत्नी के साथ हल जला रहे थे और वो मटका निकला, मटका फूटा, लड़की का रोने का आवाज आया। जनक को कोई बच्चा नहीं था, लड़की लड़का नहीं था, और बेटी मिल गई, अपनी पुत्री समझ के पाला, उसका नाम जानकी बना, राम के साथ विवाह हुआ, रावण ले गया और उस जानकी के कुल का नाश किया। मेरे भाई यही कथा आपको कहती, राम ने रावण को नहीं मारा है, माँ भगवती ने मारा। भगवान सब कुछ सहमत है, मर पाप को बचने का कोई रास्ता नहीं, थोड़ा घृणा धर्म किया तुम्हें बचा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति का नियम है 100 रुपया कमाओ तो 10 रुपया कहीं डालो धर्मादे में। धर्मादा माने मेरे जैसे को देना का नहीं, जहां जिसको जरूर है दवाई की दारू की, आजकल बहुत जरूर हो तो गायों को जरूर है, इतने भाइयों को जरूरत नहीं है भाई, गायों को लिए कुछ करो। दुर्भाग्य इस देश का कि गायों आज भूखे मर रही है, गायें कागज खा रही है, किसी की आंख नहीं खोली। गाय तुम्हारी माँ है, गाय लूली हो लंगड़ी हो अपंग हो फिर भी सुबह मिल जाए तो उसका सुकून होता है। भैंस चाहे आधा मन दूध देती हो भैंस का सुकून नहीं होता है, भैंस राक्षस की लड़की है। गाय समुद्र से पैदा हुई है, गाय की कोई माँ नहीं है, भैंस की माँ है मारिसा, लिखा है शास्त्रों में पढ़ो भागवत। भैंस राक्षस की लड़की है, भैंस का दूध पीता है, गुजराती में बोलते हैं डूबे का दूध पियो डूबे जैसा होवे। गाय का दूध अमृत है, दुनिया में दो अमृत है, एक माँ का दूध एक दूसरा गाय का। मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, माताओं बहनों से, कोई बहू बह के जाए या बहू बह कर आवे, तुम्हारे घर में जो भी लड़का या लड़की जन्म ले उसको अपना दूध पिलाओ। अगर रामायण को जानना है, भारत को रहना है, भारत को देखना है, अपने बच्चे को बुद्धिमान बनाना है, अपने दूध पिलाओ। आप अपने धर्म की पहचान कराना चाहते हैं तो गाय की रक्षा कीजिए, गाय को रखिए। अगर आपको जमीन जागीर दिया है, सुविधा दिया है, तो गाय की सेवा कीजिए। न कर सको तो जहां गौशाला चलती हो अपने हाथों से घास डालिए, रुपया मत दीजिए, अपने हाथों से रुपयों का घास लेके घास डालिए, यही धर्म है। जिसको दवा के विवेकानंद जी बोलते थे मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता हूं जो धर्म विधवा का आंसू न पोंछ सके, गरीब की पेटी में रोटी न डाल सके और मुंगे अबोल प्राणी की रक्षा न कर सके, मैं उस धर्म को नहीं मानता। ये विवेकानंद का शब्द है। गाय हमारी माँ है, एक भारत छोड़कर सब कंट्री गायों का दूध पीती है, कोई कंट्री भैंस का दूध नहीं पीती, एक भारत छोड़कर पियो। तुम्हारी माँ लगती होगी, मासी लगती होगी, क्योंकि भैंस को नहलाते हैं धोलाते हैं, उसकी आरती भी करो। गाय तुम्हारी माँ है, जब तक ये गाय है तब तक तुम्हारे बच्चे तुम्हारे, जिस दिन धरती पे गाय नहीं होंगे उस दिन तुम्हारे बच्चे तुमको ऐसे मारेंगे कि दौड़ते नजर आओगे। इस साधु की बात को याद करना, कृपया मेरी प्रार्थना है गाय और बेटी बचाइए। मैं कोई राजकारण के बाद में नहीं बोलता हूँ, किसी के विरुद्ध नहीं बोलता हूँ। आज पत्रकार भाइयों ने मुझे कहा कि फलाने के आदमी के लिए तुम क्या कहना चाहते हो, मैं किसी के विरुद्ध में बोलना नहीं चाहता हूँ, मेरा तो धर्म से, मैं अपने आप को देखूं ना, दूसरे का क्यों देखूं, दूसरे की निंदा करना दूसरे की बुराई करना मेरा अधिकार नहीं है। मेरी बन सके तो अच्छा बोलना, भला सोचना, भला करना, बाकी आप जानो, आपका धर्म जाने। मेरा कर्म, मुझे व्यास गादी पर बिठाया, मेरी जवाबदारी है। मैं धर्मगुरु तो नहीं हूं, मैं धर्मगुरुओं का दास जरूर हूं, मैं साधु तो नहीं हूं, पर उन संतों के चरण का पुजारी जरूर हूं जिनकी वजह से मुझे रोटी मिलती है। अब हरिद्वार में जाइए, गंगा आपको बोलेगी, आरती के बाद गंगा जी की आवाज आती है, जरा सुनना। कोई जमाना था 50 साल पहले, गाय के दूध के दही के बनाए हुए दिए पानी में डुबोते थे, दिए जलते थे गंगा जी में। किसी जमाने में आरती पानी में डुबाई जाती थी,
आप हरिद्वार गए होंगे, जाते होंगे, उसको पूछिएगा जो गए उसको याद होगा। अगर इतना जोरदार प्रवाह है कि आप बह जाएंगे, पर शाम के टाइम में दिया रखेंगे तो आपको एहसास होगा कि माँ गंगा ने अपने हाथ में दिया लिया है। आज भी वो चमत्कार है। और जब आप लोग थूकते हैं, गंदगी करते हैं, तब उस गंगा रोती है, तुम्हारी माँ हूँ मैं, भारत की निशानी हूँ मैं, किसी के जात पात को नहीं मानती हूँ। कोई मेरे जल से पूजा करता है, कोई नहाता है, कोई चमड़ा धोता है, कोई वजू पढ़ता, वजू माने नमाज पढ़ता है, मैं सबकी माँ हूँ, मैं पानी नहीं हूँ। और तुम मानो तो तुम्हारी माँ हूँ, न मानो तो एक बहता पानी हूँ। गंगा कहती है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता का गीत नहीं समझना भाई, ये पिक्चर का गीत गाने के लिए व्यास का दिन नहीं है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, ना मानो तो बहता युगो युगो से मैं बहती आई। जब धरती पे पाप पड़ा तो हरि ने यहाँ अवतार लिया। मानो तो मैं गंगा माँ, ना मानो तो बहता पानी, ना मानो तो बहता पानी। हरि ओ हरि ओ नमाज, कोई मेरे किनारे पर नमाज पढ़ता है, अल्लाह ये खुदा बोलता है तो अभी मैं सुनती हूँ, उसके लिए अल्लाह खुदा होगा, मैं तो उसकी माँ हूँ, उसके अंदर कोई जात पात होगी, मैं किसी से जात पात नहीं करती। क्यों? कोई वजू करे मेरे जल से, कोई पंडित प्यास बुझाए, कोई वजू करे प्यास बुझाए, कभी मोची चमड़े धोए, कोई अपना पाप मिटाए, कभी मोची चमड़े धोए, कोई अपना पाप मिटाए। ये जात धर्म के झगड़े, धर्म के झगड़े, इंसान की है नादानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी।
आरती के बाद ये भजन चलता है। ये गीत नहीं है, भजन है। किसी ने गा लिया हो आप उसको गीत नहीं समझिएगा। गंगा के किनारे राम भी आए थे, रामायण पढ़िए, आगे कथा आएगी। जब अहिल्या का उद्धार करेंगे, विश्वामित्र राम को गंगा किनारे ले जाएंगे, भगवान गंगा में स्नान करेंगे और बाद में कहेंगे, गुरुदेव ये गंगा कहाँ से आई, इसको कौन लाया? तो विश्वामित्र की आंखों में आंसू आ गया, हे रघुनंदन, इस गंगा को लाने के लिए न जाने कितनी पेड़ियां खत्म हो गई, कितने राजा लोग ने अपना बलिदान दिया, तब ये गंगा आई है और आज के लोग उसमें गंदगी करते हैं। दुर्भाग्य इस देश का, उस गंगा को माँ है, गाय माँ है, आज उसकी दुर्दशा है। रामायण में गाय की और गंगा की बहुत बड़ी महिमा है। एक महात्मा के पास राजा आया, उसने अपनी सेना को लेकर 18,000 आदमी के साथ उस महात्मा ने खिलाया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा, महाराज इतना बड़ा धन तुम मांगते नहीं हो, तुम्हारे पास खेती नहीं, जागीर नहीं, मेरे आदमियों के सहित इतनी सुंदर भोजन करवाए, कहां से लाए? तो वशिष्ठ ने कहा, महाराज एक कामधेनु गाय समुद्र से निकली थी, देवता ने मुझे दिया है, उसी से मेरा काम चलता है, मैं उससे जो मांगता हूं, जो गाय की सेवा करता है वो जो गाय से मांगेगा वो गाय देगी, भगवान से भी बड़ी गाय है। जब भी धरती पे पाप बढ़ता है, देवताओं ऋषियों भगवान को पुकारते हैं, भगवान उठता नहीं है, जागता नहीं है, देखता नहीं है, तब धरती गाय बनकर जाती है और भगवान को पुकारती है, भगवान गाय को देखता है तो मानव बनने के लिए मजबूर बन जाता है, उस गाय है। और ये कथा हरिद्वार से आई है, राम कथा जा पावनी गंगा राम। इसमें जो लिखा है बोल रहा हूं, कहीं ऐसा नहीं समझना उधर उधर की बात करता हो। राम कथा जी में पावनी गंगा, राम कथा पावनी गंगा, सुन ही सतत भव मिटे सब गंगा, सुन दे ही सब राम कथा जहाँ सुर सरी धारा, राम कथा जहाँ सुर सरी धारा, प्रभ सही जाता ब्रह्म प्रचारा, सरी धारा ब्रह्म प्रचारा, राम कथा कहे भवानी। राम कथा वो तो गंगा है, उसको जो सुनेगा उसको गंगा में स्नान करने का फल मिलेगा। एक गंगा है, हर व्यक्ति वहां नहीं जा सकता, और ये गंगा है, जब से राम कथा जगत में आई गंगा की महिमा घट गई। गरीब लोग जिसके पास समय नहीं है, धनवान रुपया वाले नहीं जा सकते, अगर इस कथा में बैठे तो उस गंगा में स्नान करने का फल मिलता है। राम कथा जहां सुरसरी धारा, सुरसरी माने गंगा, वो धारा है, एक कथा एक गंगा जी का रूप है, आपके आंगन में आपके घर में आई, सुनने वाले उन महान पुरुषों, जहां तक ये साधना चैनल के माध्यम से देखने वाले 128 देश को मेरा प्रणाम, जो इस देश को देख रहे हैं उसको मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे भारत के वासी मेरे भाई बहनों को, पंजाब यूपी नैनीताल हिमाचल गुजरात पालनपुर सौराष्ट्र इडर आदि सब देशों में, यूपी बिहार से बंगाल तक से वलसाड से जो लोग देख रहे हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। आप लोगों की मांग थी कि बाबा जी हिंदी में बोलो, इसलिए सुनने वाले लोग मैं आपको हिंदी में बोल सुना रहा हूं। भगवान शंकर कहते हैं, किसी की जलन मत करो, ईर्ष्या न करो। आज भगवती ने देखा मेरा पति जाग गया, दौड़ कर आई, भगवान ने सामने बिठाया, कथा सुनाई, कथा सुन रहे थे, इतने में विमान देखे, जगदम्बा ने पूछा ये कौन है, कहाँ जा रहे हैं? शिव जी ने कहा तुम्हारे पिता श्री यज्ञ कर रहे हैं, सब वहां जा रहे हैं। जगदम्बा को बड़ी खुशी हुई, चलो मैं पियर जाऊं, मेरे बहन मिलेगी, मेरे बने भी मिलेंगे, मेरे भाई मिलेंगे, मेरे भाभी मेरे माता पिता मिलेंगे। भगवान शिव जी ने मेरा त्याग किया, 1200,000 वर्ष बीत गए,
मेरे साथ अभी तक बात नहीं किया, मेरे हाथ का भोलेनाथ ने रोटी नहीं खाया, मेरे हाथ का पानी नहीं पिया, मैं जी के क्या करूंगी। स्त्री को शायद दुनिया का सुख दे दो, अगर पति का सुख नहीं है तो उसके लिए सब मट्टी है। माँ सीता बोली, जियो बिनु देह नदी बिनु बारी, जिनु बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे पुरुष बिन नाथ यही नारी। सीता जी बोले, जब राम वन में जाने लग गए तो सीता जी दौड़ कर आई। राम ने कहा, मेरे पिता की हालत ठीक नहीं, मेरी माँ मरने पड़ी है, मेरी माँ की सेवा करो। तो सीता जी ने कहा, पानी बिन नदी अच्छी नहीं लगती, देह जीव बिन अच्छा, इस प्राण चला जाए तो शरीर को कोई नहीं पूछता, नदी बिन बारी, जीव बिन देह तैसे ही नाथ, पुरुष बिन नारी, जैसे पानी बिन नदी ठीक नहीं लगती, जीव बिना देह ठीक नहीं लगता, ऐसे ही पुरुष बिन नारी की शोभा नहीं है, मैं तो आपकी साया हूं। मेरे पिता ने कहा था, बेटी अपने पति के पगले पल्ले चलना, मेरे पिता को पता चलेगा तो माथा फोड़कर मर जाएगा, क्योंकि मेरे पिता ने कहा था, पुत्री पवित किए दो कूला, पुत्री पवित ससर गुरु सेवा करहु। मेरे पिता ने कहा था, सीता जी बोले राम से, पति रुख जानी आयुष अनुसर हो, पति रुख जानी आयुष अनुसर हे जानकी बेटी, मैंने जन्म तो तुम्हें नहीं दिया, खेतों में हल चला रहा था बेटी, एक मिट्टी में से तेरा जन्म हुआ, मैंने लड़की की तरह, अपनी पुत्री की तरह, अपनी जान की तरह तुम्हें मैंने पाला बेटी, मेरे पेट से गोद में, गोद से हिंडोल में, और जब तू कहती थी पिताजी मुझे चलना है, तो मैं गुलाब की बिछौना बिछा देता था, गुलाब की बिछानी रास्ता बना देता था, पलंग ही गोद तजी हिंडोला, पीठ गलंग तजी गोज हिंडोला, सवनी सिय कवि बहन कठोरा। हे बेटी, ये कठिन भूमि पर तूने कभी पैर नहीं रखा, मैंने ऐसा पाला, मगर बेटी कन्या तो पराया धन होता है, बेटी हमारी लाज रखना, हमारे कोई बेटा नहीं है, हमें तुमने आज तक बताया नहीं, आज बता देते हैं तुम हमारी बेटी नहीं हो, खेत में हल चला रहे थे, एक मटके से तुम मिली हो, भगवती की आंखों में सांसू आ गया, मैंने तुम्हारे से जन्म ले लिया, तुम मेरे माँ बाप नहीं, फिर भी मुझे माँ बाप से बढ़कर पाला, मैं भी वचन देती हूँ, तुम्हारा नाम रोशन नहीं किया तो मेरा नाम भी सीता नहीं, बेटी नहीं, दिक्री नहीं, कन्या नहीं। और आज जगत जननी जनक